यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वे होली के बाद 21 मार्च को शपथ ले सकते हैं। इस शपथ समारोह को भव्य बनाने की भरपूर तैयारी की गई है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में यह समारोह रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस शपथ समारोह में 45,000 लोग शामिल हो सकते हैं। 200 से ज्यादा वीवीआईपी की एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। खबर है कि योगी की शपथ समारोह में विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण दिया जाएगा। इन सब के अलावा उन प्रदेश भर से लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से फायदा पहुंचा है। इस बीच इस शपथ समारोह को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि समाजवादियों के बनाए हुए स्टेडियम के अलावा और कहीं जगह नहीं मिली। बता दें कि इस स्टेडियम का निर्माण अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ था।